मैंने रिसेंटली महिंद्रा थार के ऊपर एक वीडियो बनाई, फिर मैंने टोयोटा की फॉर्चुनर के ऊपर एक वीडियो बनाई, फिर मैं अपनी अगली वीडियो के लिए इंटरनेट पर सर्च कर ही रहा था, उसी टाइम मुझे मिली है एमजी की कॉमेट ईवी। तो यार मुझे तो ये कार बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, तो चलिए यार आज के इस वीडियो में हम मिलकर देखते हैं कि आपको इस कार के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और आखिर ये कार इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है। एमजी कॉमेट, एमजी कॉमेट ईवी है, एमजी की कॉमेट की नहीं तो इस वीडियो की शुरुआत में जरा इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपको इस कार के अंदर तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं और ये तीनों ही वेरिएंट इलेक्ट्रिक है, और साथ ही इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 7,98,000 रुपीस का, और इसके मिड वेरिएंट प्ले का एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 9,28,000 रुपीस का, और वहीं इसके टॉप मॉडल प्लस का एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 9,98,000 रुपीस का। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। सो यार ये छोटी सी गाड़ी की लेंथ है अराउंड 2,974 mm की, और वहीं यार इस गाड़ी की विड्थ थे अराउंड 1,505 mm की, और साथ ही इस गाड़ी की हाइट के बारे में बात करें तो इस गाड़ी की हाइट है अराउंड 1,640 mm की, और वहीं इस गाड़ी का व्हील बेस है अराउंड 2,010 mm का। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो यार वैसे तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार, तो इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोटर मिलती है, और आपको इस गाड़ी के अंदर एक 40.14 ब्रेक हॉर्स पावर का इलेक्ट्रॉनिक मोटर मिलेगा, वो भी एक 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ। और साथ इस गाड़ी के टोटल रेंज के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 230 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो यार जरा इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको अराउंड 145x70 आठ 12 इंचेस के व्हील मिलेंगे, और साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी अलॉय व्हील्स का सिस्टम नहीं मिलेगा एमजी की तरफ से, और साथ ही इस गाड़ी की बैटरी 0 to 100% चार्ज होने में अराउंड 7 आवर्स का टाइम लेती है, और इस छोटी सी गाड़ी के अंदर लगभग 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 2 डोर्स देखने को मिलते हैं। और अब चलो इस गाड़ी के इंटीरियर्स में अपनी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा एक 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर आवाज सुनने के लिए 2 स्पीकर्स मिलेंगे, और साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर एक 26.04 सेंटीमीटर का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, वो भी रियर पार्किंग सेंसर के साथ। और साथ ही इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, वो भी 3 USB पोर्ट्स के साथ जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में इस टाइप की और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो यार मैं आपको मिलूंगा किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।